कैसे कटेगा बुढ़ापा। वृद्ध माँ के कमाऊ पूत की त्रिमुला कंपनी हादसे में हुई मौत से जहां परिजनों के अलावा पूरा इलाका गमगीन है। बूढ़ी माँ व पत्नी के करुणा क्रंदन से दुश्मन की भी आंखें नम हो जा रही हैं। जबकि मृतक अधेड़ का 4 साल का मासूम बेटा गुमसुम होकर अपने घर आने जाने वालों को देखने के साथ शाम को घर लौटने का वादा करके ड्यूटी गए अपने पापा की राह निहार रहा है और बीच बीच में अपनी माँ व दादी से पापा कब आएंगे पूछ रहा है। क्या उस मासूम को यह पता है कि अब उसके पापा उसके लिए समोसा व चॉकलेट लेकर कभी नहीं आएंगे। बरगवा थाना क्षेत्र के त्रिमुला इंडस्ट्री में ड्यूटी करने वाले अधेड़ की कंपनी में काम करने के दौरान गंभीर हालत में झुलस गया और उपचार के दौरान रविवार रात दम तोड़ दिया। ग्रामीणों व परिजनों ने कंपनी प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को कंपनी गेट पर रखकर मुआवजे व एक परिजन को नौकरी देने की मांग करने लगे। चुनाव के बाद मौके पर पहुंची बरगवा पुलिस मुआवजे की मांग कर रहे लोगों से हाथापाई व अभद्रता से पेश आई। जानकारी के अनुसार बरगवा थाना क्षेत्र के रामपुरवा निवासी कमला प्रसाद साहू उम्र 48 वर्ष इलाके की त्रिमुला इंडस्ट्री में काम करता था। वह बीते 14 जनवरी को सुबह काम करने कंपनी आया और काम करने के दौरान अचानक बायलर की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया। उसे गंभीर अवस्था में उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। उच्च उपचार के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया जहाँ उपचार के दौरान देर रात कमला साहू ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद से ही ग्रामीणों में कंपनी प्रबंधन द्वारा बरती गई लापरवाही को लेकर आक्रोश व्याप्त था। परिजन सोमवार सुबह एम्बुलेंस से शव को लेकर घर आए। कामगार की मौत की खबर सुनते ही मृतक के घर के सामने त्रिमुला इंडस्ट्री में काम करने वाले कामगार व काफी संख्या में ग्रामीण जमा हो गए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भास्कर मिश्रा की अगुवाई में परिजन व भारी संख्या में ग्रामीणों ने मृतक कमला साहू के शव को लेकर त्रिमुला इंडस्ट्रीज के गेट के सामने 20 लाख रुपए मुआवजा व मृतक के किसी परिजन को कंपनी में नौकरी या मृतक की पत्नी को 10,000 रुपए प्रति माह भत्ता देने की मांग करते हुए जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही SDOP राजीव पाठक के मार्गदर्शन में बरगवा निरीक्षक RP सिंह मौके पर अपने हमराहियों के साथ पहुंच गए हैं और प्रदर्शन कर रहे लोगों को समझाने का प्रयास करने लगे। मृतक के परिजनों का 20 लाख रुपए व एक परिजन को नौकरी या 10,000 रुपए भत्ता की मांग पर अड़े भास्कर मिश्रा के साथ हाथापाई करने के साथ अभद्रता करते हुए जबरन पुलिस वाहन में बैठाने लगी। लोगों के विरोध के बाद भास्कर मिश्रा को पुलिस ने छोड़ दिया। मध्य प्रदेश सिगरौली से RK शर्मा की रिपोर्ट। भैया अभी यहाँ दुखद हादसा कुछ दिनों पूर्व हुआ है जिसमें मृत्यु हुई एक मजदूर की। क्या कुछ मांग थी आप लोगों की? अभी काफी बवाल यहाँ चला है। देखिए, इस कंपनी में ये हादसा कोई पहली हादसा नहीं है, ये पहला हादसा नहीं है। जब से त्रिमुला इंडस्ट्रीज यहाँ स्थापित हुई है हर साल एक नया हादसा होता है और ये टोटल प्रबंधन की लापरवाही है, उनके मैनेजमेंट की कमी है। कोई सेफ्टी सूज नहीं है, कहीं कोई सेफ्टी व्यवस्था नहीं है और औने पौने दाम में यहाँ के लोगों को, चूँकि यहाँ की जनता भोली भाली है, मिनिमम बेसिस उनको नहीं मिलता। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते रहते हैं कि डिजिटल इंडिया, अभी भी इनकी सैलरी हैंड टू हैंड दी जाती है, अकाउंट पे सैलरी इनकी नहीं है, इनका CMPF नहीं कट रहा है। इसमें कई बार हम लोगों की वार्ता हुई, हम लोग पहल किए कि आप मिनिमम बेसिस दें यहाँ के लोगों को, जैसे CSR के तहत योजनाएं होती हैं, हैंडपम्प लगाना, रोड बनाना, त्रिमुला के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया जाता, के अनुसार कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं। कई एक्सीडेंट हो चुके हैं इससे पहले, चूँकि हमारा घर भी यहाँ सामने है, VI निर्वाचित क्षेत्र है। लगभग पिछले 5 साल में 7 घटनाएं हुई हैं, किसी को 1 रुपये कंपनसेशन आज तक नहीं मिला है त्रिमुला के द्वारा, और इसका विरोध सही प्लेटफार्म पर सही तरीके से भी करना चाहिए। और नियमतः जो नियम लागू हैं वो त्रिमुला इंडस्ट्री पे लागू नहीं है, जो इंडस्ट्री के लिए नियम बनाए गए हैं वो त्रिमुला उसका पालन नहीं कर रहा है। त्रिमुला को तो चलना भी नहीं चाहिए। पेड़ पौधों की हालत आप देख लीजिए, ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। कई बार अपन आवाज़ उठाए, एक दो बार कई लोग होंगे आंदोलन किए, भोपाल से जाँच आई, पर पैसा और उसकी पावर के आगे सब फैल है। अभी तक क्या कुछ वार्ता हुई कंपनी प्रबंधन? अभी तक ये वार्ता हुई है कि सहायता के तौर पर 5 लाख रुपए इनको कैश दिलाया गया और अगर कोई परिजन नौकरी चाहता है तो परिजन को नौकरी मिलेगी और इंश्योरेंस क्लेम करने पर नियर अबाउट जो भी कमिश्नर से बात हुई 10 लाख रुपए के आसपास इनको क्लेम मिलेगा और 5 लाख तत्काल मिला है। अभी परिजनों का विरोध हो रहा था, उसके बाद भी प्रशासन ने रकम की, ये क्या क्या मामला है? देखिए, और ये विरोध तो हमेशा होना चाहिए परिजनों का नहीं,
यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का, क्षेत्र के जनता का विरोध कंपनी के प्रति होना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि औने पौने दाम में हम जब कंपनी को ज़मीन दे दिए और इस आशा उम्मीद में दिए, यही बताया गया कि आपके लड़के को, आपके भतीजे को, नाती को नौकरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगा, 20,000-25,000 सैलरी मिलेगी, लेकिन यहाँ 9,000 रुपये सैलरी मिलती है, वो भी 6-6 महीने हो गए, किसी को तनख्वाह आज तक नहीं मिला। यहाँ की जनता भोली भाली है, कभी शिकायत नहीं करती, अपने अधिकार को नहीं जानती। जब कोई एक्सीडेंट, कोई इंजुरी हो जाती है, 100-200 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, पर उस बड़े दुर्भाग्य के साथ और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिंगरौली जिले में भारतीय जनता पार्टी के 3-3 विधायक हैं, सांसद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बोले थे, जो कि वो वीडियो वायरल हुआ था, कि सड़क दुर्घटना या किसी लापरवाही से या कंपनी में लोगों की मौत होती है तो 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कहाँ है, मैं कहता हूँ किस बिल में घुसे हैं वो, आज जनता की लड़ाई लड़ने जनता के सामने आते क्यों नहीं है। सिंगरौली जिले में आए दिन चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे कंपनी की लापरवाही के कारण हो, चाहे टेलर के नीचे लोग आए, लोगों की मौत हो रही है, कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी का एक